सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल विकास हेयर स्टाइलिस्ट। सो आज हम लोग करने वाले हैं बोटॉक्स हेयर ट्रीटमेंट। सो देख सकते हैं क्लाइंट का हेयर कितना फ्रीजी है। सो फर्स्ट हम लोग करेंगे क्लींजिंग शैम्पू। सो क्लींजिंग शैम्पू का काम क्या है, उम्मीद करता हूँ सबको पता है। अगर किसी को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ। इसका काम ये है कि हेयर का क्यूटिकल को ओपन करना। सो ये एक वॉश में भी हो सकता है, दो वॉश में भी हो सकता है, तीन वॉश में भी हो सकता है। सो आपको विजुअल चेक करते रहना है, ठीक है? तो पहले क्या करना है, हम लोगों को शैम्पू को फोम करके हेयर पे लगा के छोड़ देना है 5 मिनट। उसका बाद हम लोग चेक करेंगे कि क्यूटिकल ओपन हुआ है कि नहीं। सो जब आपको लगे कि क्यूटिकल ओपन हो चुका है, देन हम लोग हेयर को वॉश कर लेंगे। सो देख सक रहे हैं कितना फ्रिजी हेयर है अभी भी। सो इसके बाद हम लोग करेंगे ड्राई। सो ये रहा हम लोगों का प्रोडक्ट कोपा कबाना टैनिनो बोटॉक्स। सो एक बाउल में हम लोग पहले प्रोडक्ट को निकाल लेंगे। जितना आप लोगों को प्रोडक्ट चाहिए वो एक बाउल में निकाल लीजिए पहले। देन हम लोग स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन होगा वो हम लोग का मीडियम फाइन सेक्शन में काम करेंगे और टैप टैप टेक्निक से हम लोग प्रोडक्ट को एप्लीकेशन करेंगे, क्योंकि हम लोगों को प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, बहुत कम भी नहीं लगाना है। जैसे मैं हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आपको इमल्सिफाई बहुत अच्छे से करना है, ठीक है? क्योंकि पूरा रिजल्ट इसी का ऊपर रहता है कि हेयर में आप लोग प्रोडक्ट को कैसे ब्लेंड किए हैं बाय एप्लीकेशन किए हैं, ठीक है? सो आपको अच्छी तरह से इमल्सिफाई करना है। और जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास में रखा हुआ बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। सो ये हो गया मेरा फुल हेयर में एप्लीकेशन, ठीक है? देन हम लोग क्या करेंगे, इसको शावर कैप से रैप करके 30 मिनट के लिए छोड़ देंगे रूम टेम्परेचर में। देन हम लोग हेयर को ओपन करेंगे और इसको ब्लश ड्राई करेंगे मीडियम हीट फुल ब्लो के साथ। ब्लश ड्राई करेंगे, देन हम लोग करेंगे उसमें ब्लो ड्राई। अच्छी तरह से ब्लो ड्राई करना है मीडियम हीट और फुल ब्लो के साथ, कि हेयर पूरा हेयर में प्रोडक्ट मेल्ट हो जाए, मेल्ट होकर पूरा ब्लेंड हो जाए। उसके बाद हम लोग करेंगे आयरन, और आयरन का जो टेम्परेचर होगा वो होगा 210, ठीक है? वो डिपेंड करता है हेयर स्ट्रक्चर के ऊपर, हेयर का हेयर क्वालिटी के ऊपर। सो वो आप देख लीजिएगा कि हेयर कैसा है, उस अकॉर्डिंगली आप लोग हेयर का टेम्परेचर सेट करोगे। या फिर एक और ट्रिक्स बताता हूँ कि हेयर का टेम्परेचर आप लोग कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, जब भी आप लोग क्लींजिंग शैम्पू यूज़ कर रहे हैं, अगर एक बार में हेयर में क्यूटिकल ओपन हो जाए, देन आप लोग उस हेयर में 170 से लेके 190 में अंदर हेयर को आयरन कीजिएगा, ठीक है? डिपेंड करता है कितना मोटा सेक्शन से कर रहे हैं। और अगर 2 टाइम शैम्पू करने के बाद क्यूटिकल ओपन होता है तो 2 बार शैम्पू कीजिएगा, और 3 बार होता है तो 230, ठीक है? सो ये मेरा कंप्लीट आयरन का लुक है। देन हम लोग करेंगे हेयर को वॉश। सो ये सेम डे हम लोग करने वाले हैं। सो देख सकते हैं मैक्स प्राइम का शैम्पू एंड कंडीशनर बा शैम्पू एंड मास्क, इससे हम लोग हेयर को अच्छी तरह से वॉश करेंगे। और वॉश भी होगा तो हेयर में बहुत ज़्यादा रफ नहीं होगा। सो देख सक रहे हैं कैसे हेयर वॉश किया है। जेंटली हाथों से हेयर को वॉश करना है, बिल्कुल हेयर को रफ नहीं करना है, ठीक है? सो ऐसे करके हम लोग हेयर को वॉश करेंगे। 2 बार हम लोग शैम्पू करेंगे, देन हम लोग मास्क को एप्लीकेशन करेंगे, और मास्क लगाने के बाद हम लोग हेयर में 10 मिनट के लिए हेयर को छोड़ देंगे। ऐसे ही मास्क एप्लीकेशन करने के बाद 10 मिनट हम लोग छोड़ देंगे। देन हम लोग 10 मिनट बाद हेयर को अच्छी तरह से रिंग्स आउट कर लेंगे। देन हम लोग करेंगे ब्लास्ट ड्राई, 100% हेयर को ड्राई कर लेंगे। सो ये हम लोग का फाइनल लुक है। सो पहले हम लोग ड्राई करेंगे, देन करेंगे ब्लो ड्राई। सो सी द रिजल्ट। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। सो बाय बाय।